of the screen, and I hope y'all will like the work also. प्रीमियर है, सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हमने किसी ने भी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ये शूट करते वक्त बहुत मज़ा आया था, सो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स होप कि ऑडियंस को भी इतनी पसंद आए. सॉरी या मतलब अभी ट्रेलर आया है तो ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रही है. कुछ चीज़ें ट्रोल भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस जब ये फिल्म देखेगी तो उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज ट्रेलर से ही फिल्म. प्लीज़ जज मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ थिएटर्स में जाइए और ये फिल्म देखिए. आई एम श्योर कि ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये लगती सीरियस फिल्म है, लेकिन है ऐसा नहीं है. ये कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है, सो इट्स अ फन फिल्म एज वेल. ऑफकोर्स कुछ मुद्दों के ऊपर बात की है, लेफ्ट और राइट के आइडियोलॉजीज के बीच में ये फाइट है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. थैंक यू फिल्म का नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, और बहुत से लोग इसे बहुत सी चीज़ों के साथ एसोसिएट करके देख रहे हैं, लेकिन जब आपके पिक्चर देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि पिक्चर बनाना और ये देखना कितना ज़रूरी है, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इस पिक्चर में कवर करने की कोशिश की है, और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस पिक्चर को हमारी तरफ से बनाया गया. महाकाल मूवीज़ के बैनर के नीचे ये पिक्चर बनाई गई है, और तमाम अहम मुद्दे जो हैं वो इस पिक्चर के ज़रिए हमने उठाने की कोशिश की है. और कोशिश सिर्फ इतनी ही है कि देश की एकता और अखंडता पर जिस तरीके से उसको बांटने की कोशिश बहुत बार की गई है, उसको तोड़ने की कोशिश बहुत बार की गई है, तो उसको संजो के कैसे रखा जाए, उसको पिरो के कैसे रखा जाए, और एक माला की तरह देश की एकता को बना के रखने की कोशिश इस फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी में की गई है. और जो ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से जो देश की यूनिटी है उसको तोड़ा जाए, उन तमाम चीज़ों पर प्रहार है इस फिल्म के जरिए. हाँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स. फिल्म में आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि क्या क्या इंस्टेंस जो हमने इस फिल्म में लिए हैं और किससे आप उसको रिलेट करके देखते हैं, बट डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स है. और जब आप देखेंगे तो आपको वाकई मालूम होगा कि ये तमाम चीज़ें आपने कहाँ देखी, कहाँ सुनी, और ये तमाम जो भी इशूज़ उठाए गए हैं उसका सोल्यूशन क्या है, और इन मुद्दों को, ऐसी चीज़ों को आज देश में फिल्म के ज़रिए हमने क्यों उठाया है, वो फिल्म देखने के बाद हमारे दर्शकों को मालूम होगा. हाँ, आर्टिस्ट कौन कौन है? बिल्कुल, आर्टिस्ट इस फिल्म में उर्वशी रौतेला, रवि किशन, विजय राज, पीयूष मिश्रा, सिद्धार्थ बुकदेव, थिएटर के बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे इस पिक्चर में इनके अलावा हैं, और ये यूथ की पिक्चर है, बहुत सारे आर्टिस्ट इस पिक्चर में हैं, तकरीबन 50 हम अगर आर्टिस्ट की बात करें तो वो इस पिक्चर में शामिल हैं, उन्होंने एक्ट किया है और बखूबी हर किसी ने अपने किरदार को निभाया है. देखिए, एक्साइटमेंट तो होती ही है जब एक पिक्चर आप बनाते हैं और वो रिलीज पे है. अब फ्राइडे को तमाम दर्शकों के बीच में होगी, लोग देखेंगे, जज करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ अपने इनपुट्स देंगे, कुछ अपने सजेशंस देंगे, कोई कहेगा प्रोपेगेंडा है, जो हालांकि अभी से ही बहुत लोग कहना शुरू हो गए हैं. लेकिन मेरा ये कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सच के भी दो पहलू होते हैं. वो एक तो जो सबके सामने होता है, और एक वो सच भी होता है जो किसी को मालूम होता नहीं है. तो ये पिक्चर देखिए और आपको मालूम होगा कि ये सच का कौन सा पहलू है. एक्टिंग मेरा भी एक छोटा सा एक पत्रकार का रोल है, और आप देखेंगे बहुत ही माइनर सा है, बट पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट ही हूँ, और जर्नलिस्ट के नाते एक पिक्चर में भी छोटा सा एक जर्नलिस्ट की भूमिका मैंने निभाई है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू.
things in life, and I'm looking forward to see what the audience will think of her and her decisions. Approaching such subjects, I think it will cause a good impact in society. This kind of experience in college time? No, my college time was very different. I was really a very, very, like, attend to my studies. I was a very good girl, super shy, the opposite of Naira. Thank you. और बिग स्टार स्टडेड फिल्म, उसके बावजूद काफ़ी मजबूत कहानी लग रही है और एंड आई एम होपिंग के बहुत ही दिलचस्प फिल्म होगी ये. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म, बट द ट्रेलर इज़ वेरी इम्प्रेसिव आई मस्ट से. तो मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से. देखिए, जिनको
प्रोपोगेंडा फिल्म कहनी है वो प्रोपोगेंडा फिल्म कहेंगे, उसमें हम रोक नहीं सकते, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। और बेसिकली हमने फिल्म ये बहुत पहले स्टार्ट करी थी, तब कोविड की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाई, तो पहले ही रिलीज़ हो जाती, पहले रिलीज़ हो जाती तो फिर प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं कहलाई जाती। अभी हमारी किस्मत है, अच्छा है जो कह रहे हैं प्रोपोगेंडा फिल्म है तो वो भी देखेंगे, और जो नहीं कह रहे हैं वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है, आज से पहले भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, और ये भी सिंपल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में फिल्म है और उसको उसी नज़रिए से देखा जाए। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता तो बात अलग होती, मैंने JNU कहा तो शायद वो बात अलग हो गई, लेकिन फन फिल्म है और पॉलिटिक्स के नज़रिए से इसे मत देखिए। फिल्म देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या फिल्म है। सेट होना होता है वो अपने आप होता जाता है, जब फिल्म बननी होती है तो फिर बन जाती है, तो फिल्म के किरदार की जो डिमांड होती है वो अपने आप फुलफिल हो जाती है। तो फिल्म में सब एक्टरों ने कमाल किया है, सब एक्टरों ने, मेरे लिए कोई बड़ा एक्टर या छोटा एक्टर नहीं होता, मेरे लिए किरदार होते हैं और किरदार में सब ने खूबसूरत काम किया, चाहे रवि भैया हों, रवि किशन हों, विजय भाई हों, पीयूष मिश्रा हों, सब ने बहुत खूबसूरत काम किया। विनय भाई का एक स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, आपने जिला गाजियाबाद भी की इनके साथ, जब ये किसी एक्टर को अपनी नरेशन सुनाते हैं ना उसी वक्त कहता है मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो बस वो डायरेक्टर, इनको ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये एक्टर चाहिए वो एक्टर, इनकी फिल्म में जो फिट होता है ना वो ये सोच लेते हैं। और जब ये नरेशन के लिए आज तक हमने देखा है जिला गाजियाबाद में, संजय दत्त सर के साथ गए हम लोग, बाबा ने एक बार सुनी है और लॉक, अरशद भाई ने सुना लॉक, विवेक भाई ने सुना और लॉक, क्योंकि हमने वो फिल्म करी और आज ये देख रहे हैं कि वो इज़ मेड इट। भाई का जो तरीका है ना एक्सप्लेन करने का, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, और जैसा लगता है कैरेक्टर खुद बोल रहा है, और इनकी इतना इज्जत करते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं विनय भाई से लोग इतना प्यार करते हैं एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, तो लोग इतना प्यार करते हैं कि वो चलो चलो वो कहते हैं कि भाई मुझे काम करना है, विनय क्या है क्या नहीं मुझे, और मैं चाहूँगा कि एक मुखड़ा जो हम लोगों ने किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए। हमेशा देश में ना दो विचारधाराएं रहती हैं और वो हमेशा रहेंगी, अब आप उसको लेफ्ट बोलो या राइट बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे नहीं हो सकते हिंदुस्तान में, तो ठीक है ना। देखिए मुझे इतना पता है कि किस तारीख को जिस दिन रिलीज होगी और जो लोग देखेंगे वो अपने साथ 10-12 लोगों को और लेके आएंगे, 100% ये फिल्म देख के आपको भी बताना, आप फिल्म देख कर आप बताना और गाना सुन के बताना कैसा है। जब बल्ला मैं घूमाऊं, जब बल्ला मैं घूमाऊं तुम बॉल मार देना, जब याद मेरी आए मिस कॉल मार देना, जब बल्ला मैं घूमाऊं तुम बॉल मार देना, जब याद मेरी आए मिस कॉल मार देना, यूं चोरी चोरी मिलके दिल मेरा नहीं भरता, यूं चुपके चुपके मिलके दिल मेरा नहीं भरता, दिल मेरा नहीं भरता, आज घर पे आके मेरे मेरा हाथ मांग लेना, जो बाबू करे ना मिस कॉल मार देना।